हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस स्टॉक्स के स्टडी पर। और आज हम लोग कुछ नया स्टॉक देखेंगे, फिर से एक नया टास्क दूंगा, फिर से नया कुछ सिखाने जा रहा हूं, फिर से कुछ नया चीज बताने जा रहा हूं जिसको आपको नोट करना है। अगर आप नोट कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपने क्या सीखा। मैं एवरी स्टॉक्स कुछ ना कुछ टिप्स रिलेटेड टू इलेवन में डालता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं काउंट करता हूँ इसको अच्छे से मैं रीड करके समझ के सारे रूल्स गाइडेंस को अप्लाई करके ही स्टडी करके देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो प्लीज जब भी ये स्टॉक्स को रीड कर समझें तो उसमें आपको आपने क्या समझा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने स्टॉक लिया है आयशर मोटर का, और इस आयशर मोटर का मैंने लिया था मार्च का। आप देख सकते हो तो ये मार्च का जो हमने 22 का है, 8 मार्च के 22 का जो लो लगा वहां से सिंगल लेग काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है तो इसमें भी 5 मूव रहेगा, इसमें भी 5 मूव रहेगा और इसमें भी 5 मूव रहेगा। सिंगल लेग है, ये भी सिंगल लेग है, ये भी सिंगल लेग है। आप इसमें इसकी भी काउंटिंग अलग कर सकते हो, इसकी काउंटिंग अलग कर सकते हो, इसकी भी काउंटिंग अलग कर सकते हो, 1 3 5 की काउंटिंग अलग कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर इंपल्स का एक लेंथ है और उस लेंथ के उसने क्राइटेरिया को फुलफिल भी किया है रूल्स और गाइडलाइंस को, तो मैंने इसी सिंगल लेग को ले लिया है। पीछे के सारे रूल्स को, सारे पीछे का डेटा को मैंने छोड़ दिया, एक सिंगल लेग की हम बात करते हैं। तो सिंगल लेग की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पूरे मूव को 1 2 3 4 5 करते हुए मैंने इसको मान रखा है, और जो प्राइस फॉल आया यहाँ पे सेकंड रखा हुआ है। सेकंड रखने के बाद मैंने इसको कंसीडर किया कि ये जो प्राइस का सेकंड का जो फॉल आया है ये तकरीबन 40.57 आया है, राइट? इसके बाद थर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट है 9 मूव में है, तो इसको मैंने एक सेंसर में रखा हुआ है और इसको वेव थर्ड कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद थर्ड के बाद जो प्राइस का जो फोर्थ प्राइस है फोर्थ वेव, तो इसमें हमारा जो फॉल आया ये 14.57 है और इसका जो फॉल भी है अप्रोक्सीमेटली ये 16% के आसपास है। मैंने इसमें जानबूझ के 19.50 किया हुआ है क्योंकि इससे ये 5% ओवरलैप करवाना है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक्शन क्या लेना है कि इन केस अगर प्राइस जो है आपको 38.2% जो देख रहे हो 3232 3232 एक स्टेप यहाँ भी लेना है आसपास, और एक मैक्सिमम जो है आपको यहाँ तक एक्शन ले सकते हो जो 50% के आसपास पे है, 3225। तो ये आपके पोर्टफोलियो के ना, मतलब जब भी प्राइस ये स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में आता है तो ये आपको यहाँ तक वे ऑफ फोर्स जो है आप कंसीडर कर सकते हो। ये जो टॉप बना है ना ये इररेगुलर मूव को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए मैंने थर्ड रखा यहाँ पर, और ये टॉप लगा है और ये टॉप लगा है केवल 111%, ठीक है? तो इसलिए मैंने इस पूरे मूव पे इररेगुलर कांसेप्ट में लिया हुआ इररेगुलर फ्लैट करेक्शन के मूव में, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मूव देख रहे हो आप ये आपका फ्लैट है और ये जो फॉल है आपका जिगजैग है, ये आपका प्राइस वाइज है और ये आपका टाइम वाइज करेक्शन है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब भी आपको 38.2% या 50% के आसपास रेट मिलता है तो आप उसको एक्युमुलेट कर सकते हो वेव फिफ्थ के लिए जो तकरीबन 40+ होना चाहिए, सात बजे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होती है डेली स्टॉक्स की, ठीक है? और इसी पर मैं लाइव आता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी साइकोलॉजी को ठीक करता हूँ, सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट अगर हमारी साइकोलॉजी हिली रहेगी ना तो हम सब कुछ जानते भी हम लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको साइकोलॉजी के पीछे पड़ा हूँ, आपको सिखा के मांगूंगा मैं, ठीक है? तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर वीक में 2 या 3 ही वीडियो अपलोड होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर। आप चाहते उसमें आप विजिट करके देख सकते हो, मैंने आपको सारे साइकोलॉजी के बारे में बात किया हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्ट की वीडियो अपलोड करता हूँ, छोटे छोटे टिप्स जो ब्लंडर होते हैं उनको हमने सिंक्रोनाइज करके इनको मतलब एक्युमुलेट करके सिंपल लैंग्वेज में इसमें शॉर्ट बना के देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो तीनों आपके सामने हैं, अपना प्यार जरूर देना यहाँ पर तीनों के आसपास, ठीक है? आइए हम थर्ड में उसमें चलते हैं, 75 मिनट के टाइम फ्रेम हम इसलिए लिया हम कि अगर इनकेस में ट्रेडिंग करना हो तो कैसे ट्रेडिंग करेंगे इसलिए। अब देखो इस चीज को यहाँ पर देखो, ये जो मूव दिख रहा है, मैं आपको बता रहा था कि ये जो मूव जा रहा है इसको मैंने बी रखा हुआ है, तो ये इररेगुलर दिख रहा है, तो इररेगुलर में ये आपका जो 61% के आसपास का जो मूव आ रहा है ये मूव आपको रनिंग, ये है रनिंग
इररेगुलर रनिंग फ्लैट करेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कम से कम जो प्राइस है तकरीबन 3231 के आसपास, जो मैं 38.2% के आसपास बता रहा हूं, यहां पे देख सकते हो 3232 38.2% और एग्जैक्टली वो 3231 आ रहा है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर ये आपको बहुत अच्छा मूव बाय कराएगा 3232 के आसपास। तो आप इसको इररनिंग फ्लैट करेक्शन के तरह आप इसको रीड कर सकते हो। और मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आपको इस पूरे लेंथ की काउंट करना है, पूरे लेंथ की काउंट करना है और मुझे बताना कि क्या करना है। और हां, जो सबसे प्लस पॉइंट है वो हमें क्या करना है कि अगर इसके इस टॉपस के आते अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं तो हम 61.8% मैं यहां पर 61.8% का स्टॉपस क्यों दिया हूं ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और इसके पीछे एक रीजन है, मैं रीजन आपको यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि 61% मैंने स्टॉपस क्यों दिया है, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। ये आपका वो है, होमवर्क है। तो इसी तरह आप चैनल पर बने रहो, मैं आपको रोज नए नए स्टॉक्स नए नए आइडियाज देता जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।